ब्रजमंडल में होली का उल्लास बसंत पंचमी से ही प्रारंभ हो जाता है। बसंत पंचमी पर ब्रज के सभी प्रमुख मंदिरों में होली का डाणा गाड़ दिया जाता है, लेकिन पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के विश्व प्रसिद्ध ठाकुर श्री द्वारकाधीश महाराज मंदिर में होली का डाणा बसंत पंचमी से ना गाड़ कर पूर्णमासी पर गाड़ा जाता है। शनिवार को पूर्णमासी के अवसर पर शास्त्रोक्त रीति से वैदिक मंत्रोच्चारण के मध्य द्वारकाधीश मंदिर के निकट स्थित चौराहे पर विधिवत रूप से होली का डाणा गाड़ दिया गया। इसी के साथ द्वारकाधीश मंदिर में भी होली महोत्सव का शुभारंभ हो गया। एक माह तक चलने वाले इस होली महोत्सव के अंतर्गत अब रविवार यानी पड़वा तिथि से प्रतिदिन राजाधिराज मंदिर में राजभोग दर्शनों के अवसर पर रसिया गायन का आयोजन शुरू हो जाएगा। ढप की मधुर तान के मध्य मंदिर प्रांगण में ठाकुर जी को होली की तान सुनाकर रिझाया जाएगा और मंदिर में आने वाले श्रद्धालु ठाकुर जी के उड़ाए गए प्रसाद रूपी गुलाल में सराबोर होकर स्वयं को धन्य करेंगे। रविवार से प्रारंभ होने वाले रसिया गायन और ढप वादन को लेकर मंदिर में सभी तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। इस संबंध में द्वारकाधीश मंदिर के विधि सलाहकार एवं मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि अब प्रतिदिन होली के रसिया गायन राजभोग दर्शनों के अवसर पर आयोजित किए जाएंगे। साथ ही ठाकुर जी निर्धारित समय के अनुसार बगीचे आदि में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे, तो वहीं रंग भरने एकादशी से पिचकारी से भी भक्तों पर ठाकुर जी का प्रसाद रूपी रंग उड़ाया जाएगा, जिसे लेकर मंदिर में तैयारी की जा रही है। देखिए, पुष्टि मार्ग संप्रदाय में सभी कार्यक्रमों का निर्धारण मंदिर के गोस्वामी श्री श्री 108 डॉक्टर बागीश कुमार जी महाराज के द्वारा किया जाता है और इस कड़ी में आज पूर्णिमा के दिन प्रारंभ हुए कार्यक्रम में सर्वप्रथम होली का डाणा गड़ा और होली के डाणा गड़ने के बाद ठाकुर जी ने अमीर गुलाल से होली खेली और उसके बाद पड़वा के दिन मतलब अर्थात पड़वा से प्रारंभ होंगे राजभोग के सुप्रसिद्ध रसियाओं का गायन और यह क्रम पूरे एक माह तक चलेगा और निरंतर रूप से चलने वाली इस प्रक्रिया में ठाकुर जी पिचकारी से होली खेलेंगे, ठाकुर जी के कुंज एकादशी के दिन दर्शन होंगे और आप समझिए बगीचे में विराजमान होकर ठाकुर जी होली खेलेंगे और डोल महोत्सव होगा। इस प्रकार से एक माह तक निरंतर ये क्रम चलेंगे और डेली प्रातःकाल राजभोग के दर्शन में 10 बजे से 11 बजे तक रसियाओं का गायन होगा। भावना के अनुसार ठाकुर जी जो कि बाल स्वरूप में है उनको हर प्रकार की अनुभूति कराने के लिए रसिया गायन का कार्यक्रम ठाकुर मंदिर द्वारकाधीश में होता है। ये होलिका अष्टक जैसे ही प्रारंभ होंगे वैसे ही टेसू के फूल के शुद्ध रंग आएंगे और पिचकारी के कार्यक्रम शुरू होंगे और यह कार्यक्रम पूरे होली के उत्सव तक निरंतर रूप से चलते रहेंगे।